अक्टूबर 2020 में कि जो जितनी भी ये रोशनी एक्ट में जमीन जो तफ्तीश हुई जमींदारों को ये सभी लीगल है, इसको हटाया जाए। अकॉर्डिंगली फिर ऑनरेबल हाईकोर्ट के बाद रेवेन्यू सेक्रेटरेट और जो जितने भी हमारे ऊपर महकमा जाते हैं फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू जनरल कमिश्नर साहब है, उनके डायरेक्शन के हिसाब से 2 नवंबर को एक डिसीजन आया 2020 को कि ये ज़मीन खाली किया जाए। उसी के तयन हम यहाँ पर आए हैं, आज ड्राइव करने के हैं लिए आए हैं। इस वक्त हम हैं दिगाम में, दिगाम ये शोपियान का इलाका है, नायाबद शोपियान पड़ता है इसको। तो यहाँ पर हम जो रोशनी के अंडर जो ज़मीन तफ्तीश हुई थी ये हम इनसे वापस ले रहे हैं, जो इलीगल पोजीशन था एज पर ऑनरेबल हाई कोर्ट डायरेक्शन वो हम हटा रहे हैं। यहाँ पे रिसेंटली ज्वाइन किया है, एक महीना मुझे यहाँ हो गया है। इस एक महीने में हमने हमारा टोटल जो लैंड अंडर रोशनी था वेस्ट हुआ था, मैं आपको थोड़ा तफसील बताना चाहूँगा। इट वॉज 123 कनाल्स, 12 मालाज एंड 7 सिरसा। इसमें से हमने 2 दिन पहले भी एक ड्राइव किया है जिसमें हमने कापरन नयाबत में 17 कनाल गेरा मल्ले चौधरीगंज विलेज में रिट्रीव किया। उसके बाद हमने उसी दिन मैंगीपुरा विलेज जो कि हमारा कांजुलर नयाबत में पड़ता है वहाँ पर 30 कनाल 10 मल्ला हमने इविक्ट किया। तो उस दिन हमने टोटल 48 कनाल 1 मल्ला हमने इविक्ट किया है। इसके बाद आज हम जो हमारा आज का टारगेट था वो यहाँ दिगाम में था 10 कनाल 10 मल्ला और बुनगाम में है 10 कनाल 13 मल्ला। आज का टारगेट टोटल 18 कनाल 13 मल्ला। आज का ड्राइव कम्प्लीट होने के बाद हमारा जो टोटल रिट्रीव लैंड हुआ वो हो जाएगा 66 कनाल 4 मल्ला आउट ऑफ 123 कनाल।